सुधारे बिना हमारे भाई ने काफी बेहतरीन अपने अंदाज में अपने दिल के इजहार किया यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत अंदाज में। माँ जी बिल्कुल माँ से बड़ा योद्धा पूरी दुनिया में नहीं होता, ये तो उन्होंने बताया। वही कहते हैं ना कि अगर मेरी तकदीर लिखने का हक अगर मेरी माँ को होता तो मेरी जिंदगी में कोई गम ना होता। तो बहुत बड़ा नाम है, बहुत जिंदगी में बहुत कुछ डिपेंड करता है माँ, और माँ जो चीज माँ दे सकती है कोई नहीं दे सकता, ये जिंदगी का सबसे अजीम सच है। तो चलते हैं मैच की तरफ। लेकिन नासिर भाई एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि माँ के लिए तो हर कोई सब कुछ कहता ही है, लेकिन जो वालिद है, जो बाप है, जो अब्बू है, जो पिता है, वो बेचारे को हर कोई भूल ही जाता है। वो कहते हैं ना कि वालिद पिता बिल्कुल सूरज की तरह होते हैं, होते तो गर्म, अगर ना होना तो जिंदगी में अंधेरा हो जाए। माँ बच्चे को 9 महीना पेट में पालती है, लेकिन बाप जिंदगी भर पालता है। तो बाप की इज्जत माँ की इज्जत तो बहुत जरूरी है, वरना आज तो कहते हैं ना। चलते हैं मैच की तरफ। यहाँ पर एके रॉयल्स ने टॉस जीत कर फील्डिंग करने का निर्णय लिया और बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। यहाँ पर जल्लीकट्टू और दोनों ही टीमों के बीच में चलता हुआ ये उनका जल्लीकट्टू का ये 6वां मैच जो 6 अंकों के साथ मौजूद, और साथ ही साथ यहां पर 5वां मैच एके रॉयल्स का जो जिनके पास भी 6 पॉइंट है, यानी जो ये मैच जीतेगा वो अंक तालिका में मारेगा छलांग और जाएगा जो कि इक्वल करेगा एके बादशाह के पॉइंट्स टेबल्स को। लेकिन साथ ही साथ हम देख सकते हैं पीछा करते हुए आर आर रॉयल्स। हम देख सकते हैं स्ट्राइक पर है आप बाहुबली, इस चीता कैन के बाहुबली, और उनके सामने गेंदबाजी मार कर जी बिल्कुल लेफ्ट हैंडर मास्टर हुसैन उर्फ हुसी, और 9 स्ट्राइक पर है जैद जी बिल्कुल। बहुत ही कमाल की पारी खेली थी कल, मेरे ख्याल से अर्धशतक जड़ने वाला एक खिलाड़ी है जिन्होंने अर्धशतक जड़ा था और मैन ऑफ द मैच का खिताब भी जीते थे। और ये पहली गेंद की बिल्कुल काफी अच्छी जड़ों पर की गई थी, लो फील्ड टॉस गेंद थी, बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन बैटर बॉल का उतना अच्छे संपर्क में ही लेफ्ट कारपेट गई, शॉट लॉन्ग ऑन के फील्डर के हाथों में और काफी अच्छी फील्डिंग वहां पर। नौमान काफी अच्छे फील्डर है, आउटफील्ड में उन्होंने बताया अपने आपको। और इस बीच लेग कटर गेंद के नीचे नौमान और बहुत बड़ी विकेट, बहुत बड़ी विकेट का यहां पर हुआ है पतन। यहां पर बाहुबली को आउट होकर जाना पड़ा है डक आउट की तरफ। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी यहां पर जी बिल्कुल, इसीलिए जाने जाते हैं माने जाते हैं हुसैन एक बेहतरीन से हरफन मौला खिलाड़ी इस चीता के परिसर के एक लेग कटर का मास्टर, और काफी बेहतरीन गेंदबाजी की यहां पर। गेंद जरूर की थी पूरे एक बेहतरीन पूरे एक जिगर के साथ, एक हल्की गेंद जरूर की थी बल्ले के करीब की थी लेकिन गेंद ने हल्का सा डिविएट किया, थोड़ा सा लेग कटर रोक लिया, बल्लेबाज ने बल्ला काफी तेज घुमाया, बल्ले का ऊपरी सिरा लगा, गेंद गई सीधा स्काईर और उसके नीचे आए स्काई डाइवर नौमान, एक बेहतरीन से चहीते एक स्टार एक
बहुत ही अच्छे स्टार्टअप वाले खिलाड़ी नौमान ने कैच को किया कंप्लीट और एक बड़े बल्लेबाज को आउट करके भेजा है टक्का की तरफ। दो गेंदे, खाता खुला नहीं है, खाता खुला है यहाँ पर एके रॉयल्स का विकेट के साथ। एके रॉयल्स ने विकेट तक चटकाई है। दूसरे गेंद पर रन कोई नहीं आया है, जलीकट्टू के खाते में। अब आए हैं नए बल्लेबाज 17 नंबर की जर्सी रफीक, एक अच्छे से बेहतरीन से एक ऑलराउंडर इस चीता के परिसर के नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आए, यानी कि एक अच्छा खासा हिट कर सकते हैं क्योंकि पावर प्ले में उन्हें भेजा गया है। और एक बार यहाँ पर बल्लेबाज अगर सेट हो जाए तो फिर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता पावर प्ले हो या कितने फील्डर बाहर है, तो देखना होगा रफी किस तरह से यहाँ पर रिएक्शन करेंगे। बिल्कुल एक्शन के बाद यहाँ देखा है बल्लेबाज का रिएक्शन घमासान, गेंद को दिखाया आसमान, गेंद को भेज दिया है और बना बॉल मैक्सिमम के लिए बेहतरीन शॉट, जबरदस्त शॉट, क्लास दिखाया गेंदबाज की इस स्लोअर डिलीवरी की लाश बिछाया। और फिर से एक बार ऊंचा शॉट, पीछे नीचे फील्डर और लोबा, काफी अच्छा प्रयास, काफी बेहतरीन एफर्ट, गेंद तक आ गए थे, काफी अच्छी कोशिश बेहतरीन, थोड़ा सा वहां पर मेरे ख्याल से हाना में थोड़ा सा वहां पर मिस जज हुए, लेकिन ऑल कहते ना कि यहाँ पर स्टार्ट काफी अच्छा लिया था उन्होंने, स्टार्ट अच्छा लिया, गेंद के नीचे आया, जजमेंट भी अच्छा था, लेकिन आखिरी मोमेंट में गेंद को रख नहीं पाया हाथों में, वरना एक बहुत बड़ी विकेट और एक यहाँ पर मिलती जरूर। यहाँ तारीफ करनी होगी गेंदबाज हुसैन की। और इस बार फिर से काफी अच्छी गेंद, जरूरत की गई गेंद थी, बड़ा शॉट खेलना चाहते थे आड़े बल्ले से एक पुल शॉट, लेकिन गेंद और बॉल का कनेक्शन उतना अच्छा नहीं, एक रन लेने में खुशी दिखाई दोनों बल्लेबाजों ने और एक रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 9 रन एक विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद पहले ओवर की, अब आए हैं स्ट्राइक पर मास्टर ब्लास्टर जैद, एक क्लासिकल बल्लेबाज और काफी कुछ डिपेंड करेगा इनके बल्लेबाजी पर। क्या बात है, उसी अंदाज में गेंद को फिर से पहुंचाया है विकेट कीपर के दस्ताने में। पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 9 रन एक विकेट के नुकसान पर, 9 रन विद अ लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर 1 ओवर, यानी पहला ओवर काफी अच्छा एके रॉयल्स के नजरिए से। तो जी बिल्कुल, फिर से यहाँ पर मेरे ख्याल से काफी अच्छे अपने आप को साबित किया हुसैन ने थ्रू आउट द टूर्नामेंट, थ्रू आउट द लीग, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, एक चैंपियन प्लेयर की तरह एक चैंपियन गेंदबाजी करते हुए पावर प्ले में अपने लेग कटर पे सबसे ज्यादा उनको कॉन्फिडेंस है, क्योंकि कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है, अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है ना तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। यहाँ पर भले ही आपको पता है कि आपको पढ़ सकती है, लेकिन आपको अपनी ताकत पर काम करना होता है और वही यहाँ पर ताकत करते हुए हमने देखा हुसैन को, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की, बल्ले के पास से गेंद को कट कराया, क्योंकि जानते अगर शायद अगर बल्ले के बीच में आते तो गेंद फिर ग्राउंड में मिलेगी नहीं, लेकिन काफी अच्छा टर्न पे उनको भरोसा, अपनी गति पे भरोसा और काफी अच्छी बेहतरीन गेंदबाजी की और उसी चीज को लेकर कप्तान का उनके ऊपर पूरा भरोसा और ये दिखाया और भरोसे पर खड़े उतरे यहाँ पर हमारे गेंदबाज हुसैन ने पहले ओवर की है समाप्ति 9 रन पर एक विकेट भी हासिल की। तो लगभग इस पहले पावर प्ले के ओवर में कम यहाँ पर दिखाया एके रॉयल्स के गेंदबाज ने। अब दूसरा ओवर भी होगा पावर प्ले और अंपायर का इशारा आता हुआ इंपैक्ट प्लेयर होंगे इन, कौन सा इंपैक्ट हफीज यहाँ पर इन होते हुए और सलमान की काफी अच्छी तेज तलवारी जान वाली गेंद, लेकिन दिख रहा होगा थोड़ा सा कमल दूसरे की कोशिश और ये बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट, क्या तालमेल है, बेहतरीन तालमेल है, आज सभी नेटवर्क को किया फेल, दिखाया अपना जबरदस्त तालमेल इस खेल में, बहुत ही बेहतरीन जबरदस्त। यहाँ तारीफ करनी होगी 9 स्ट्राइकर बल्लेबाज की, काफी अच्छा कॉल लिया क्योंकि खतरे के एंड पर वही भाग रहे थे और उन्होंने वो खतरा लिया और काफी तेज तर्रारी गेंद, लेकिन दिशा से थोड़ी सी भटकती है और अंपायर ने उसे दंडित किया व्हाइट स्वरूप और एक रन यहां पर बढ़ेगा और इस एक रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 12 रन एक गेंद के बाद।
एक जबरदस्त टाइमिंग कैच, जरूर लिए काफी अच्छा कंट्रोल दिखाया है और यहाँ पर बताया कि किस तरह से स्लिप कॉर्डन में खड़े होकर कैचेस ली जाती है। क्या बेहतरीन कैच यहाँ पर अब्दुल गनी सर के द्वारा, बहुत ही बेहतरीन। एक जीते जाते मिसाल हर किसी खिलाड़ी के लिए जिनके जेरे निगरानी में फलता फूलता हुआ इस चीता के परिसर में क्रिकेट। बहुत ही आला दर्जे का कैच, बेहतरीन कैच यहाँ पर बड़ी विकेट का हुआ है। पता नहीं रफीक आउट होकर गए हैं डक आउट की तरफ। रफीक जी बिल्कुल बहुत ही अच्छा क्लासिकल शॉट खेला था, इस बार भी मेरे ख्याल से थ्रू द कवर से जाना चाहते थे लेकिन बैटर बॉल का उतना अच्छा संपर्क नहीं। ये बल्ला हाथ में जरूर घूमा और वो भी घूम गए डक आउट की तरफ, लेकिन तारीफ करनी होगी अब्दुल गनी सर की, क्या बेहतरीन कैच। अब आए हैं नए बल्लेबाज सोहेल, बहुत ही अच्छा कंधे का इस्तेमाल करते हुए, लेकिन अंपायर ने कहा कंधे के साथ साथ ट्रैम लाइन का भी इस्तेमाल करना चाहते थे, वाइड ऑफ द बैट रखना चाहते थे, लेकिन गेंद काफी ज्यादा बाहर गई और अंपायर ने फिर से एक वाइड स्वरूप एक्स्ट्रा रन यहां पर खाते में जुड़ेगा। इस एक रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 13 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इससे पहले गलती जरूर की थी, इससे पहले मैच में कैच छूटा था आसान सा, लेकिन इसे कहते हैं बड़े खिलाड़ी की यही निशानी होती है कि वो कम बैक करना जानता है। क्या बेहतरीन कैच, अगर शायद थोड़ी सी और ऊपर होती तो यकीनन गेंद 6 रन के लिए निकल जाती, लेकिन काफी अच्छा डाइव लगाया और कंट्रोल आप देख सकते हैं, इतना कंट्रोल दिखाया उन्होंने कि बाउंड्री मेरे ख्याल से बाउंड्री रोप से ज्यादा नहीं, अगर देखा जाए तो 6 इंच अंदर थे, 6 इंच में कंट्रोल किया उन्होंने अपने आप को। बहुत ही बेहतरीन कैच, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए सुनील के लिए, क्या बेहतरीन कैच है, जबरदस्त कैच। इसे कहते हैं ना कि व्हाट एवर रन यू सेक इज काउंट एज यू हैव स्कोर्ड, जो भी रन आप बचाते हैं तो वो आपके ऊपर आपके खाते में छूटते हैं। यहाँ पर विकेट भी ली और सोहेल ऐसा बल्लेबाज था जिसने पहला पिछला मैच पूरा घुमा दिया था। आपने देखा ये
माही ये बिल्कुल माही ने काफी अच्छा शॉट देखा था, लेकिन उतनी ही उमदी उमदा फील्डिंग, यहाँ पर कोई गलती नहीं करते हुए यहाँ पर एक रॉयल्स का खेमा और इस एक रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 14 रन 14 14 1 4 14 सलमान जी बिल्कुल काफी बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए स्पॉट ऑन गेंदबाजी करते हुए लेकिन स्ट्राइक पर हैं। ज़ायदा जो बिल्कुल जैद ने बिल्कुल नहीं किया टाइम यहां पर जाया और गेम को भेज दिया है आउट ऑफ द पार्क और मैक्सिमम स्टार बैटर एक बेहतरीन सा कंप्लीट बैट्समैन क्या जबरदस्त ऊंचा खेला गया एक लंबा शॉट गेंद चली गई है 6 रन के लिए और इस 6 रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 20 रन तीन विकेट के नुकसान पर 20 रन विद लॉस ऑफ 3 विकेट 11 गेंदों के बाद एक गेंद आना अभी भी बाकी शॉट लगाना चाहते थे लेकिन बैट और बॉल को टच से संपर्क नहीं लेकिन काफी अच्छी फील्डिंग काफी अच्छा ग्राउंड कवर करके रहते हुए हुसैन ने यहां पर कोई गलती नहीं की काफी अच्छी फील्ड की एक रन के बाद एक रन के साथ ओवर हुआ है समाप्त अजान हो रही दो ओवर की समाप्ति के बाद 21 रन तीन विकेट के नुकसान पर जायद एक बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए और बहुत ही अच्छा बेहतरीन फिर से लेग कटर मास्टर बल्लेबाज काफी अच्छे स्टांस में आए थे काफी अच्छा शॉट सीधे बल्ले से खेलना चाहते थे लेकिन गेंद पिट्टू पर गिरी और घूमी और दिशा ली सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में एक डॉट गेंद हिंदी गेंद और नौ स्ट्राइक पर है माही का बेहतरीन से बल्लेबाज और इस बार भी गेंद मस्तक पे दस्तक देते हुए एक परफ्यूम डिलीवरी एक मिट्टी की सुगंध देकर जाती हुई नाकों में बहुत ही बेहतरीन इस बार कटर नहीं काफी जबरदस्त बॉडी लाइन के साथ तेज गेंद और फिर से उसी तरह की गेंदबाजी करते हुए बहुत ही अच्छा बेहतरीन लेंथ का इस्तेमाल करते हुए हार्ड लेंथ पर पिच करते हुए गेंद एंगल के साथ घूमकर बाहर जाती हुई विकेट कीपर करते नहीं कोई गलती असीम बहुत ही बेहतरीन विकेट कीपिंग बच्चे बच्चा वहां से और इस बार जो बिल्कुल इस बार बैटर बॉल का संपर्क अच्छा हुआ है और स्कोर कार्ड में भी रन काफी अच्छा खासा जमा हुआ है 4 रन और इस 4 रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 25 रन 3 विकेटों के नुकसान पर आखिर में ये चौथी गेंद में बैटर बॉल का संपर्क अच्छा हुआ और रन भी आए अच्छे पूरे 4 तो जायद एक बेहतरीन से बल्लेबाज और इस बार देखना पाकि बिल्कुल अपनी तेज तर्रारी गेंद विकेट कीपर उसे मैनेज नहीं कर पाए उसे पकड़ नहीं पाए काफी तेज भारी भरकम गेंद उन तक आई जो बिल्कुल यॉर्क
क्या बेहतरीन, हालांकि काफी दूर से विकेट कीपिंग कर रहे हैं। गेंद में गति थी, गेंद में उछाल था, गेंद में तेजी थी, डिविएशन थी, उसे संभल नहीं पाया विकेट कीपर। और एक जायद को मिली एक लाइफलाइन, और इस बार बल्लेबाज ने पड़ा है और जड़ा है, और ये स्लोअर गेंद इस बार गेंदबाज को भारी पड़ा है, अब गेंद चली गई है आउट ऑफ द पार्क और 6 रन। तीन ओवर की समाप्ति के बाद 31 रन। समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 31 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 31 रन विद लॉस ऑफ 3 विकेट आफ्टर 3 ओवर्स, और काफी कमाल की बल्लेबाजी करते हुए बेहतरीन बैक टू बैक दो गेंदों पर बहुत ही खूबसूरत अंदाज में खेला गया। जायद स्टाइल का शॉट बिना टाइम किए जाया, जायद ने जमा किए रन पूरे 10 अपने टीम के लिए 2 गेंदों पर। अब आए हैं गेंदबाजी मार्क पर इंपैक्ट प्लेयर, जिन्होंने इन किया था एज ए इंपैक्ट प्लेयर। गेंदबाजी मार्क पर हफीज, बाएं हाथ के गेंदबाज, ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज, बाएं हाथ के बल्लेबाज माही के खिलाफ। माही एक बेहतरीन से बल्लेबाज, विस्फोटक बल्लेबाज, एक क्लासिकल बल्लेबाज, महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में खेलने वाला बल्लेबाज माही। थोड़ी सी फील्ड को निहारते हुए, गैप्स को देखते हुए, दरारों की खोज में बल्लेबाज माही। यहां पर थोड़ी सी फील्ड में तब्दीली, और इस बार काफी अच्छी जड़ों में तेज तर्रारी। ये थी गेंदबाज की फरारी की सवारी, तेज तर्रारी। इस बार गेंदबाज बड़ा है बल्लेबाज पर थोड़ा सा भारी, और क्या कमाल की गेंदबाजी, और उतनी ही उमदा विकेट कीपिंग। बल्ले के मेरे ख्याल से शायद अंदरूनी सिरा लगा था। और इस बार भी काफी तेज तर्रारी, अंपायर से सवाल पूछा गया लेकिन अंपायर ने यहां पर नकारा है इस डिसीजन को। काफी सटीकता से अंपायरिंग करते हुए तीनों ही अंपायर, अंपायर शेखर स्ट्रेट अंपायर की भूमिका में और लेग अंपायर की भूमिका निभाते हुए हमारे एक बेहतरीन से मायाराज से एक मोहतबर अंपायर उमेश केने, और साथ देते हुए हमारे हैदर एक बेहतरीन से अंपायरिंग की है पूरे प्रतियोगिता में, पूरे लीग में। और इस बार भी काफी अच्छा पल्ला, काफी तेज घुमाया था लेकिन वहां पर नौ बार जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी फील्डिंग, बेहतरीन इसे कहते हैं परफेक्ट फील्डिंग। किस तरह से करनी चाहिए, आखिरी मोमेंट तक, आखिरी जब तक गेंद हाथ में आई नहीं, नजरों को नीचे जाने नहीं दिया, और इसीलिए गेंद को भी अपने पीछे जाने नहीं दिया। 1 रन के साथ स्कोर में बढ़ोतरी होगी। माही के पल्ले का गर्जन और रन आएगा आधा दर्जन 6 रन के लिए, और इस 6 रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 39 रन 40 रन 3 विकेट के नुकसान पर। जी बिल्कुल, इस बार बैट और बॉल का हुआ सत्तर तब बेहतरीन माही स्टाइल सिक्सर। हा 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 हा, ये थी पल्ले की दहाड़, ब्रिंग बॉल वाला पहाड़ 6 रन के लिए माही स्टाइल। क्या जबरदस्त माही के अंदाज में खेलते हुए इस बार, इस बार इससे पहले गेंदबाज ने बल्लेबाज को पकड़ा था, मानसिकता जकड़ा था, लेकिन अब उलट वार हुआ है, यहां पर पलट वार हुआ है माही की तरफ से, और बैक टू बैक दो सिक्सर के साथ जमा किए हैं पूरे रन 1 दर्जन, और इस 1 दर्जन के रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 45 रन 45 रन 3 विकेट के नुकसान पर। क्या जबरदस्त बेहतरीन कप्तानी पर, इसी तरह के अंदाज के लिए जाने जाते थे माही, महेंद्र सिंह धोनी, और उसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए माही अपने टीम जलीकट्टू के लिए। तो देखना होगा हफीज अगली गेंद लेकर तैयार, और इस बार जी बिल्कुल इसे कहते हैं जलेबी नमक, ये जलेबी थोड़ा सा नमक लगाया है, इस बार थोड़ा अलग दिशा में खेला, और क्या खूबसूरत अंदाज में प्यार के साथ लिया है चार,
और इसके बाद जो मैच होने वाला है बैटल ब्लास्टर्स और सीसी इंडियंस, दोनों ही टीमों के कैप्टन से गुजारिश है कि प्लीज टॉस के बॉस की तरफ आए। बैटल ब्लास्टर के कैप्टन हमें आमिर भाई नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ हम चाहेंगे सीसी इंडियंस का आज मेरे ख्याल से पहला मैच, और सीसी इंडियंस भी थोड़ी सी दुविधाओं में है जिस तरह से डीजीबी, लेकिन सीसी इंडियंस को भी यहां से अब दमखम दिखाना होगा। उनके पास भी मेरे ख्याल से तीन मैचेस बचे हैं, तीन के तीन जीतने होंगे ताकि वो टक्कर दे सके, और एक मैच जीता भी है सीसी इंडियंस ने ना, तो उन्हें बैक टू बैक तीनों मैचेस जीतने होंगे। तो सीसी इंडियंस के कैप्टन टॉसिफ आपसे गुजारिश है कि टॉस के बॉस की तरफ आए। दिस इज एन हम्बल रिक्वेस्ट टू बोथ कैप्टन टू प्लीज कम टू अवर टॉवर्स टू द टॉस का बॉस, बैटल ब्लास्टर कैप्टन एंड सीसी इंडियन कैप्टन। जी बिल्कुल, टॉसिफ को हम देख सकते हैं काफी बेहतरीन से डिसिप्लिन अनुशासन में माहिर रखने वाले दोनों ही भाई। एक भाई हम देख सकते हैं विकेटों के पीछे फील्डिंग लगाते हुए अब्दुल गनी सर, और साथ ही साथ हम टॉसिफ को भी देख सकते हैं वो भी आते हुए टॉस के बॉस की तरफ। इंपैक्ट जड़ों में की गई, जड़ों में, जड़ों में की किलिया किलिया सारा कुछ जड़ों से उखाड़ता हुआ और एक बड़ी विकेट का पता लौट के जाएंगे अपने वतन जिसे कहते हैं बैक आउट। बहुत बड़ी विकेट, जायदनाथ की मछली को चाल में फंसाया, जितनी बड़ी चाल थी उससे बड़ी मछली को फंसाया। यहाँ पर खींचबाज समीर, जी बिल्कुल, देखिए हवा का छोटा नहीं तूफान। चलो इसलिए मुझे लगता है कि भाई के आउट होने के बाद छोटे भाई ने गेंदबाजी की कमान हाथ में ली ताकि बड़े भाई को बुरा ना लग जाए, और काफी तेज तर्रार की है गेंद। अब आए हैं नए बल्लेबाज करीम पट्टी, जी बिल्कुल, इस क्षेत्र के एक बेहतरीन से, जी बिल्कुल करीम पट्टी को बहुत ही अच्छा देखना था। यहाँ पर डायरेक्टली अंपायर से सवाल, अंपायर ने कई इशारे का रहेगा हमें इंतजार, अंपायर का इशारा वाइड, और जी बिल्कुल इसे कहते हैं आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, और तो नहीं बल्लेबाजों की फुर्ती के चलते तीन रन का सहारा हो गया, वाइड प्लस टू। बहुत ही अच्छा थ्रो, बेहतरीन थ्रो जरूर था, लेकिन जब तक थ्रो स्टंप्स को लगती विकेटों को लगती बल्लेबाज इन हो गए थे, और माही जी बिल्कुल प्रेजेंस ऑफ माइंड मैच अवेयरनेस सब कुछ यहां पर दिखाते हुए माही, और इस बार काफी तगड़ा कार्पेट के थ्रू खेला गया। नौमान काफी अच्छी फील्डिंग, दूसरे का प्रयास नहीं करेंगे क्योंकि माही जानते हैं वहां पर खतरा है, क्योंकि इस ग्राउंड पर सबसे तेज आउट फील्ड इस दुनिया की एक तेज आउट फील्ड में यहां पर दो रन लेना मुश्किल है नहीं नामुमकिन है, तो बहुत ही अच्छी फील्डिंग तारीफ करनी होगी नौमान की बीच में, और उतनी तारीफ करनी होगी यहां पर माही के कॉल की। और इस बार बल्लेबाज बल्ला लेकर गेंद पर चढ़ना चाहते थे, लेकिन गेंद बल्ले पर पहले चढ़ी और गेंद चढ़ गई काफी ज्यादा ऊंची, नीचे आ गए फील्डर ने किया कैच को कंप्लीट। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए माही के लिए, क्या जोरदार बल्लेबाजी की, एक अच्छा प्लेटफॉर्म सेट किया अपने टीम के लिए, बहुत ही बेहतरीन प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया, किस तरह से बल्लेबाजी की जाती है क्रंच मूवमेंट में किस तरह से खेला जाता है वो बताया। यहाँ पर विकेट गया जरूर है, यहाँ पर हम यहाँ पर चलते हैं थोड़ा सा विकेटों के थोड़ा सा स्कोर कार्ड की तरफ, हमारे सलीम भाई के तरफ स्कोर दर्शाता हुआ यहाँ पर जल्लीकट्टू का 53 रन, 4 विकेट के नुकसान पर, 5 विकेट के नुकसान पर रबा है जी बिल्कुल बल्लेबाजी मार्ग पर माजिद। इस बार थोड़ा सा डाउन ऑर्डर आए हैं, और रहमत के काफी पसंदीदा बल्लेबाज, और गेंदें यहां पर रहती हैं समीर की, 3 गेंदें रहती हैं, और काफी अच्छा मौका है यहां पर माजिद को अपने आप को साबित करने का, जिस तरह से जाने जाते हैं जिस तरह के लिए पहचाने जाते हैं पूरे चीता कैंप परिसर में। और इस बार देखना होगा गेंद काफी तेज तर्रारी, लेकिन देखना होगा अंपायर के इशारे का, जी अंपायर बिल्कुल अंपायर ने सटीकता से यहाँ पर अंपायर की रिंग करते हुए यहाँ पर इशारा किया है कि गेंद लेग स्टंप को काफी छोड़ कर गई है, क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश।
पर 20 रनों की जरूरत है। पहली ही गेंद पे बड़ा ही लगा है यहाँ पर कप्तान हासिम ने और क्या बल्ले की, अब जीतने के लिए 14 रनों की जरूरत है 11 गेंदों पर और हाशिम कप्तानी पारी खेलते हुए अंत तक खड़े रहना है, इसी अंदाज से खेलना है। दोनों ही बल्लेबाज में क्षमता है, लेकिन तारीफ करनी होगी शोहिल की भी, क्या गेंदबाजी की है, बहुत बढ़िया गेंदबाजी की थी और दो बड़ी विकेट अपने गेंदबाजी से लेके दी है और प्रेशर कहीं ना कहीं बनाया था यहाँ पर एक रॉयल के बल्लेबाजों पर, लेकिन यहाँ पर हाशिम ने उस प्रेशर को रिलीज किया है इस छक्के के साथ। अब फिर से बल्ले पे जरूर लगी है निचली भाग पे, लेकिन कोई रन नहीं और अच्छी विकेट कीपिंग का मुजाहरा वहां पर रफीक द्वारा। लाजवाब है, विकेट कीपिंग करते हैं रफीक। रफीक की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, कप्तान भी है और विकेट कीपिंग उनकी बहुत लाजवाब होती है और गेंदबाज को हर बार कुछ ना कुछ समझाते हुए कुछ ना कुछ बताते हुए और गेंदबाज समझे, बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है इस टूर्नामेंट में। इस बार पैरों पे गेंद लगी है और यहां पर कुछ अंपायर बताते हुए और नो डाउट करार दिया है, बताया कि तीनों स्टंप के बाहर थी इसीलिए उन्होंने लेग बिफोर नट आउट करार दिया, क्योंकि स्टंप पे जाके नहीं टकरा रही थी गेंद और वही कोशिश थी। लेकिन बहुत बढ़िया गेंद यहाँ पर संजय, जितनी तारीफ की जाए उनकी उतनी कम। देखिए छोटे कद का है, कम उम्र का है, लेकिन बहुत तजुर्बा है और बहुत बढ़िया गेंदबाज है, बहुत लाजवाब तरीके से गेंदे करते हुए संजय। लेकिन अब बल्लेबाजी पे आए हैं समीर और ये बल्लेबाज दमखम रखता है बड़ा हिट लगाने का और इनके पास क्षमता भी है। अब देखना होगा समीर क्या जो प्रेशर बना है टीम पे वो प्रेशर को रिलीज कर पाएंगे या संजय इसी तरह पीट करते चले जाएंगे। लाजवाब गेंद, खूबसूरत, जितनी तारीफ की जाए संजय की उतनी कम, प्रेशर बनाते हुए चले जा रहे हैं। एक जरूर बड़ा हिट आया था, पहली गेंद पे छक्का लगा था, उसके बाद कमबैक किया है इन्होंने और पूरा प्रेशर बनाते हुए अब एक रॉयल के बल्लेबाजों पर। अब देखना होगा यहाँ पर गेंदे बची है केवल दो और 8 गेंदों पे 13 रनों की जरूरत। इस बार गैप में खेला है और गेंद जाएगी सिमर के पास, 4 रन और ये प्रेशर रिलीज शॉट था और लाजवाब शॉट था। देखिए यहाँ पर आप 7 गेंदों पे 9 रनों की जरूरत, 7 गेंदे 9 रन और ये मैच अभी भी दोनों तरफा है, कह नहीं सकते कि कौन सी टीम ये मैच जीतेगी, लेकिन अब तक हमने देखा है ऐसे रन बल चेजिंग करने वाली टीम ने जीता है। 7 गेंदे 9 रन। तो 7 गेंदों पर 9 रनों की जरूरत संजय गेंदबाजी पर और बल्लेबाजी पर समीर, समीर जिन्होंने चौका लगाया और प्रेशर को रिलीज किया है कहीं ना कहीं। इस बार गेंद हवा में है, गेंद के नीचे खिलाड़ी खुद संजय और ये कैच आउट, यहाँ पर विकेट मिला है, यहाँ पर प्रेशर बनाने की कोशिश और ये जो है टर्निंग पॉइंट हो सकता है। देखिए ये कैच टर्निंग पॉइंट हो सकता है, लेकिन अब आसिम को पूरा कप्तानी पारी खेलनी होगी, अंत तक खेलना होगा, विनिंग शॉट लगाने होंगे, लेकिन वो काम देखना होगा आसिम कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि प्रेशर पूरा होगा। अच्छे अच्छे बल्लेबाज जो कि उनके पवेलियन की ओर रवाना हो चुके हैं, हुसैन, अब्दुल गनी, समीर, नोमान जैसा बल्लेबाज, सुनील, ये बल्लेबाज सब जो कि बिग हिटर है ये सब पवेलियन की ओर रवाना हो चुके हैं। अब आने वाला बल्लेबाज लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, ये भी दमखम रखता है, इनमें भी क्षमता है अच्छे अच्छे हिट लगाने की और प्रेशर अब दोनों ही बल्लेबाजों पर जरूर होगा, क्योंकि 6 गेंदों पे 9 रनों की जरूरत, इंपैक्ट प्लेयर भी लिया है यहाँ पर। 6 गेंदे 9 रन, कुछ कहा नहीं जा सकता, एक अच्छा मुकाबला। क्या ताजू हीरो बनेंगे या हाशिम यहाँ से हीरो बनेंगे, देखना होगा दोनों ही किस तरह से खेलेंगे अपनी टीम के लिए, जो जीता जाएगा वो हीरो बन जाएगा, अब देखना होगा। ताजू पहली गेंद, बढ़िया गेंद, रनों का मौका, खतरा यहाँ पर
निकल गया। देखिए खतरा टला कहीं ना कहीं, क्योंकि जिस हिसाब से बल्लेबाज ने रनिंग की थी, अंपायर का इशारा नॉट आउट और अब जीतने के लिए 5 गेंदों पे 8 रनों की जरूरत। और जिस तरह से दौड़ लगाई थी ताजू और अदनान ने, उसमें से कहीं ना कहीं अदनान ने वो रेस को जीता है। अब लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है, ताजू ने पहली गेंद बहुत बढ़िया की थी। देखिए आशिम को, आशिम ने बड़ा हिट लगाने की कोशिश जरूर की, लेकिन कहीं ना कहीं मिस किया था शॉट और 1 रन लेकिन लेने में कामयाब हुए दोनों ही बल्लेबाज। बहुत बेहतरीन रनिंग का गुजारा किया था अदनान। देखिए मौका था, आउट होने का मौका था, लेकिन कहीं ना कहीं ये मौका छूटा। तो सीसी इंडियन अपना फैसला सुना दे, सीसी इंडियन ने टॉस जीता है तो मुझे लगता है सीसी इंडियन तो फील्डिंग लेगी, लेकिन फिर भी हमें एक बार पूछेंगे। फील्डिंग लेंगे जी, तो आसिफ ने वहां से इशारा बताया, दोनों हाथ घुमाया उन्होंने और मेंटोर भी यहां पर देखिए मौजूद है और शमशीर, उनकी भी एंट्री हुई है जो कि मेंटोर है सीसी इंडियन के। और सीसी इंडियन के मेंटोर हो गया और गेंदबाजी कोच भी है और बल्लेबाजी कोच भी है, यानी कि बैटिंग कोच भी है समीर, वो नजर नहीं आ रहे लेकिन काफी टाइम से। यहाँ पर पहली गेंद पे गेंद वाले और आवेगा मौजूद रैना, तो नहीं हुआ लेकिन यहाँ कैच हुआ और जाना होगा अब अदनान को। देखिए वही बताते हो आशिम के, मौका था आपके पास, आप सीधा खेल सकते थे लेकिन आपने आड़े बल्ले से खेला और जहां पे खिलाड़ी था वहां पे ही वो गेंद गई। और ताजू देखिए बहुत बढ़िया गेंदबाजी, दूसरी ही गेंद पे शिकार बनाया अपना अदनान को, यहाँ पर प्रेशर बनता हुआ नजर आ रहा है। अपने 4 गेंदों पे 8 रनों की जरूरत है और विकेट हो चुकी है, कम से कम मेरे हिसाब से 6 विकेट गिर चुके हैं। जी बिल्कुल 6 विकेटें गिर चुकी है। यहाँ पर समीर भी इनके पास है, देखिए ये बल्लेबाज को मैं जानता हूँ, ये बल्लेबाज काफी दमदम रखता है और बहुत बड़े बड़े हिट लगाता है और इनकी टीम के लिए इनफॉर्म बल्लेबाज है ये। तो ये बल्लेबाज कहीं ना कहीं टीम के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। यहाँ पर जिस पोजीशन पे इनको उतारा है, आजकल रिंकू सिंह आप देख रहे होंगे इंडिया टीम के लिए बहुत कमाल और धमाल कर रहे हैं, उसी तरह की कुछ पारी खेलनी होगी इन्हें। 4 गेंदों पे 8 रनों की जरूरत है और ताजू अपनी फॉर्म में है और बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, अब तक प्रेशर बना के रखा है। लेकिन यहाँ पे देखिए फील्ड भी सजाते हुए कप्तान उनके लिए, अब 4 गेंदे 8 रन, थोड़ा सा प्रेशर क्योंकि 6 विकेटें गिर चुकी है। अब ये जोड़ी अगर टूट गई तो यहाँ पर एक रॉयल का खेमा काफी नाखुश होगा, लेकिन 4 गेंदों पे 8 रन ज्यादा बड़ा रन नहीं है, लेकिन बनाना होगा, आपको जीतना है तो बनाना होगा। बढ़िया गेंद, ये विकेट कीपिंग थोड़ी मिस हुई, क्या गेंद थी, लाजवाब गेंद और बहुत बढ़िया गेंद दिखाया भी है, लेकिन देखिए मिस विकेट की भी, अगर वन टाइम आता तो रन नहीं होता, लेकिन जिस तरह से कोशिश की, देखिए नीचे थी, इतना आसान नहीं था विकेट कीपर के लिए भी ये गेंद को पकड़ना, अगर वो नीचे से निकल जाती तो 4 रन मिल सकता था, लेकिन वो अच्छी कोशिश थी रफीक की, उस गेंद को कम से कम उखाया उन्होंने। और गेंदबाज की भी तारीफ करनी होगी, क्या गेंदबाजी की है, देखिए जिस रफ्तार से की है, जिस अंदाज से की है, वो अंदाज निराला है और ताजू पूरे फॉर्म में है, पूरे अच्छी लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करता हुआ अपनी टीम के लिए, अपने लिए। अब यहाँ पर देखिए ताजू की तो तारीफ बनती है, 3 गेंदे अभी भी बाकी है और जीतने के लिए 7 रनों की जरूरत,
तीन गेंदे सात रन और ताजू एक अच्छे लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए प्रेशर बनाते हुए अब आशीन क्या वो प्रेशर को रिलीज करेंगे। ये शॉट अच्छा था लेकिन कैच हो सकता था, मौका छूटा, रनआउट का मौका हो सकता है लेकिन वो भी मौका छूटा कहीं ना कहीं। देखिए क्या बात है, ताजू ने देखिए बहुत अच्छी कोशिश की है, गेंद को रुकाया है, अगर हाथ में बैठी होती तो कैच हो सकता था और यहाँ पर प्रेशर अब फरकता हुआ। दो गेंदों पर छह रनों की जरूरत आ रही है। मुकाबला बहुत कांटे की टक्कर नजर आ रही है, बहुत बढ़िया मुकाबला नजर आ रहा है अंत तक जाता हुआ और ऐसे मुकाबले देखने के लिए दर्शक भी यहाँ मौजूद है और लाइव में भी आप जब देखते होंगे तो बहुत मजा आता होगा, बहुत आनंद आता होगा इस तरह का मुकाबला देखने के लिए। और जलीकट्टू देखिए जहाँ पे ऐसे लग रहा था कि मैच से बाहर हो गई लेकिन वो वापसी करते हुए अब पूरी तरह से पकड़ बना लिया है। अब दो गेंदे और जीतने के लिए छह रन, अब यहाँ पे देखना होगा क्या ये गेंद पर मैच डिसाइड कर सकते हैं। हौसला अफजाई करते हुए गेंदबाज के लिए दो गेंद में छह रन, इस बार बढ़िया गेंद हो सकता था लेकिन माही और माही भी बहुत बढ़िया गेंदबाजी, यहाँ पर तारीफ करनी होगी ताजू की। देखिए चोटी हुए थोड़े से पानी लेके जाइए भाई, बहुत तेजी से लगा था और बहुत अच्छी रनिंग का मुजाहरा किया इतना चोटी होने के बावजूद भी एक रन चुराया यानी कि आशीम को मौका दिया उन्होंने और कहीं ना कहीं कोई भी बल्लेबाज होता चोटिल होता तो वो रन ही नहीं देता लेकिन यहाँ पे इन्होंने अपने चोट को नहीं देखा, अपनी टीम के लिए रन चाहा और वो रन मिला। अब एक रन हो चुका है, पांच रनों की जरूरत है, अब यहाँ से छक्का लगाना जरूरी है। अगर इस गेम पे छक्का लग गया तो एक रन मैच जीत जाएगी, अगर चौका लगेगा तो ये मैच जलीकट्टू जीत जाएगी और ताजू की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। क्या गेंदबाजी की है, ताली हो जाए भाई एक बार ताजू के लिए, लाजवाब गेंदबाजी की है। प्रेशर भरे मैच में आए थे, छह गेंदों पे आठ रनों की जरूरत, सॉरी नौ रनों की जरूरत थी तब उन्हें गेंदबाजी दी गई थी और अब तक चार रन दिया है अपनी पांच गेंदों पर, अब एक गेंद पे पांच रनों की जरूरत। अब देखना होगा हाशिम जो कि काफी समय से पिच पर मौजूद है, अब इनके ऊपर काफी दारोमदार, काफी जिम्मेदारी, काफी प्रेशर भरा ये मैच है और प्रेशर जरूर दोनों तरफा होगा, ना कि बल्लेबाज पे गेंदबाज पे भी होगा क्योंकि ये गेंद डिसाइड करेगी कि कौन मैच जीत रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये गेंद किस तरह से ताजू करेंगे ये देखने वाली बात होगी और हाशिम भी यहाँ चाह रहे होंगे कि एक बड़ा हिट आ जाए ताकि उनकी टीम मैच जीत जाए, लेकिन देखना होगा यहाँ पे कौन ये मैच जीतेगा। अब तक ताजू काफी अच्छे फॉर्म में नजर आए और हाशिम देखना होगा क्या वो मैच जिता जाएंगे अपनी टीम के लिए, ये गेंद डिसाइड करेगी और ये गेंद जीत चुके जलीकट्टू और ताजू, देखिए ताजू बन गए हीरो इस मैच के, लाजवाब बढ़िया गेंदबाजी, छह गेंद नौ रन दिए था और उन्होंने इस मुकाबले को जिताया है अपनी टीम के लिए। तालियां हो गया भाई ताजू के लिए, क्या गेंदबाजी की है ताजू ने। देखिए कहते हैं ना भाई कि अगर गेंदबाज बढ़िया हो तो छह गेंदों पर नौ रन भी वो बनाने आपको नहीं देगा, आपको बनाना होगा और वही कारनामा करके दिखाया ताजू ने। और मैन ऑफ द मैच के लिए चुना जाएगा तो ताजू को ही चुना जाएगा क्योंकि छह गेंद नौ रन बहुत बढ़िया मुकाबला और ताजू आया और अपना मैन ऑफ द मैच ले जाए। चलिए चलिए यहाँ पर भीड़ ना जमा प्लीज और आगे की कमेंट्री का भाग संभालेंगे मेरे साथी कमेंटेटर कासिम भाई।